उत्तर प्रदेश के हाथरस से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। 90 से अधिक लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चों की संख्या अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। जो मृतक हैं उनको मुआवजे की भी घोषणा की गई है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हाथरस में, जहां पे सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 90 लोगों से अधिक की मौत हो गई। चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी।